द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों 2014 के अंदर मोदी सरकार जब आई तो देश के एक वर्ग जो गोदी मीडिया में परिवर्तित हो गया था, उसने ऐसा माहौल बना दिया कि अब बीजेपी को हराना असंभव सा हो गया। और बीजेपी ने उसके बाद कई राज्य भी जीते, लेकिन अब उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई। 2018 में अमित शाह जी के अध्यक्षता में हिंदी पट्टी के 3 राज्य बीजेपी चुनाव में हार गई, जो उसका मजबूत गढ़ था। फिर बीजेपी जैसे तैसे सत्ता में वापस आई, कर्नाटक में भी ऑपरेशन लोटस हुआ और फिर कर्नाटक में चुनाव जो हारी है बीजेपी अभी 2023 में, उससे पहले हिमाचल प्रदेश। अब ये सिलसिला रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, थमता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले हिमाचल का चुनाव हारी बीजेपी, उसके बाद जो कर्नाटक में चुनाव था वो हारी और दोनों कांग्रेस के हाथ से हारी और कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री वहां बने। लेकिन अब मध्य प्रदेश चुनाव में जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई सर्वेज ने बीजेपी की उड़ाई हुई है, ये आप जानते ही हैं। बीजेपी के कई नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सड़की हुई है। हिंदी पट्टी का एकमात्र राज्य जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अलावा मजबूती से पकड़ने का दावा कर रही थी, जहां चुनाव पिछली बार बीजेपी हार गई थी, जैसे तैसे सत्ता में आई थी, अब एक और मामला है जिसने बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा के रख दी है। बीजेपी के कई नेता बगावती तेवर दिखा रहे हैं, क्योंकि भाजपा को संघ की नसीहतें जितना यहाँ पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर बात हो रही है, चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है आम जबान के अंदर या सोशल मीडिया पर, कि अगर बीजेपी ने अपने चेहरे नहीं बदले, वर्तमान विधायकों के टिकट नहीं काटे, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला, तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब उससे पूरा का पूरा एक बगावत का जो है बेल्ट बनता जा रहा है। बगावती तेवर कई पुराने नेताओं के देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि एक अखबार ने, ईएमएस ने ये साफ लिख दिया है जो आपके सामने है, कि 127 में से 60 सीटों पर बगावत से बिगड़ेगा खेल। बीजेपी के पास अभी 127 विधायक हैं 230 की असेंबली में और पर्याप्त बहुमत है, लेकिन ये 127 में सौदेबाजी से कई सारे विधायक जीता के लाए गए हैं और अब उन 127 सीटों में 60 सीटें ऐसी हैं जहां बगावत से बीजेपी का खेल बिगड़ने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, यहां का अखबार कह रहा है। मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अखबार ये लेख लिखता है कि 127 से 60 सीटों पर बगावत से बिगड़ेगा खेल। पिछली बार भी बीजेपी का 4-5 सीट पर भारी बगावत का सामना करना पड़ा था और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई 2018 में। अब यहां देखिए, इस लेख में लिखा है, मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं में वर्चस्व और बगावत से पार्टी को भारी नुकसान, संघ ने आलाकमान को भेजी रिपोर्ट। आगे लिखा, इसी महीने दिल्ली या भोपाल में केंद्रीय संगठन के नेता और संघ के पदाधिकारी करेंगे बड़ी बैठक। इसमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से लिखा है, क्योंकि हम भारत के स्तर पर बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसमें क्षेत्रीय चीज़ों को नहीं जानेगा, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करता संभागीय चीज़ों पे। लेकिन प्रदेश के स्तर पे अगर कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी की सर्वेस ने पहले ही हालत ख़राब दिख रही थी और अब इस रिपोर्ट ने नींद उड़ा के रख दी है, जिसको ईएमएस अखबार ने कहा है कि संघ ने बीजेपी आलाकमान को ये बोला है, 127 में से 60 सीटों पर बगावत से बिगड़ेगा खेल। बाकी बीजेपी के नेता क्या खेल करेंगे, क्या खेल बिगाड़ेंगे, ये आप अच्छे से पहचानते हैं। 160 सीटों पे खेल बिगाड़ना, जो बीजेपी की मजबूत सीटें हैं 230 की विधानसभा के हाउस में, ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए हो सकता है आने वाले समय में, जो आप देख सकते हैं। इसके लिए बीबीसी जैसा बड़े अखबार ने यह लिखा है कि मध्य प्रदेश पार्टी छोड़कर जा रहे बड़े नेताओं ने कैसे बढ़ा दी है भाजपा की चिंता। एक बगावत वर्ष चुनाव के बाद आने वाली, चुनाव के दौरान जहां बीजेपी के अंदर ही होंगे बीजेपी के नेता और बीजेपी को चोट पहुंचा देंगे, जिनको टिकट काटा जाएगा, जिनको टिकट नहीं मिलेगा। और दूसरा मामला है कि जो नेता पहले ही पार्टी छोड़ने को खड़े हुए हैं कि भाई टिकट दो नहीं तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं, टिकट मिलेगा तो चुनाव हारने की स्थिति में है, टिकट नहीं मिलेगा तो हरवाने की स्थिति में है। बीजेपी के लिए आगे खाई है पीछे कुआ है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि चुनाव जीतें तो जीतें कैसे। राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब हो रही है, छत्तीसगढ़ वैसे ही बीजेपी के हाथ से निकला हुआ है और तेलंगाना में बीजेपी की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखता है हमेशा की तरह। मध्य प्रदेश बीजेपी के पास से 2018 में चला गया था और अब फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये 4 राज्यों के नाम जिनके मैंने लिए हैं, ये दिसंबर से पहले पहले चुनाव हो जाएंगे और अगले 4 महीने में यहाँ नई सरकारें आ जाएंगी। बीजेपी कितना रिटेन करेगी, कितना नहीं करेगी, ये आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। द प्रिंट ने एक स्टोरी करी है कि निराश कार्यकर्ता, पार्टी सरकार डिस्कनेक्ट, राज्य चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा नेता अलर्ट पर। द प्रिंट की स्टोरी के हिसाब से बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी जान गए हैं, भाप गए हैं, पार्टी और सरकार का जो डिस्कनेक्ट है उसको ही पहचान गए, मतलब पदाधिकारी जो दूर हो रहे हैं सरकार में बैठे नेताओं से, उस सब के चलते जो बीजेपी के नेता हैं वो अलर्ट पे हैं।
जाहिर सी बात है कि चिंता भाजपा की बढ़ गई है। एक अखबार ने आज लिखा है, कल लिखा था कि हर सर्वे में हार रही भाजपा, एक बड़ा अखबार है जिसने ये लिखा है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने माइंड गेम खेलते हुए बड़ा दावा किया। कांग्रेस ने कहा कि ये सारे सर्वेज में बीजेपी हार रही है और अब ये सारी परिस्थितियां जो हैं बीजेपी के लिए बहुत सुखद नहीं दिख रही हैं। यहां तक कि एक अखबार ने ये भी लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा में महामंथन का दौर, बड़े नेताओं की नाराजगी के बाद बड़े बदलाव की सुगबुकाहट। इस पे नेता सोच रहे हैं क्या मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, क्या बहुत बड़ा कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर परिवर्तन होगा, अगर होता है तो जिनको मिलेगा और जिनसे छिनेगा उनमें तालमेल नहीं बैठेगा, नहीं होता तो जिनको नहीं मिला है कुछ भी वो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नाराज रहेंगे और आने वाले चुनावों में जो बगावती तेवर हैं वो देखने को मिलेंगे, ये पॉलिटिकल पंडित्स कहना है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहाँ कांग्रेस एक अम्ब्रेला के नीचे दिखती है और बीजेपी में नेतृत्व के चेहरे की लड़ाई जो लड़ी जा रही है और बढ़ती जा रही है, वर्चस्व की लड़ाई, वो बीजेपी के कई नेताओं को नुकसान पहुंचाने वाली है। और संघ भी इस बात को भाप गया है, उसका अंदाजा हो चुका है कि बीजेपी आपस में ही लड़के नुकसान पहुंचा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद के दावेदार माने गए हमेशा। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी को हराने की ताकत रखते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट करती हैं आगे आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। कुछ दिन पहले एक अखबार में छपा था, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी में बिखराव, सवाल था नड्डा की नसीहत और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। बिखराव बीजेपी का यह है कि पॉलिटिकल पंडित मध्य प्रदेश में कहते हैं कि बीजेपी में 6 या 7 चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री का पद लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास 4 बार से मुख्यमंत्री का पद है। 20 साल से बीजेपी सरकार में और 20 साल से मैं 18 साल एक ही व्यक्ति सरकार चलाने का काम करेगा, तो बाकी जो लोग हैं उनकी नाराजगी बढ़ेगी। इसीलिए एक और सर्वे जो मैंने आपको बताया भी था, ये अखबार ने छापा था नवभारत ने, कि भाजपा का आंतरिक सर्वे, मध्य प्रदेश में आएंगी 55 से 65 सीटें, सिंधिया ने खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ से बताया बाहर। तो ये सारी चीजें बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं और आज बीजेपी की चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी राज्य की सरकारों को कैसे बचाएं, अपने कार्यकर्ता और सत्ता के बीच तालमेल कैसे बनाएं। अब ये चिंतन मंथन बीजेपी को करना पड़ेगा कि आखिर उसने गलती कहाँ कर दी है, लेकिन बहुत देर हो गई है। आने वाले समय में आप देख लेंगे क्या परिणाम होंगे और बहुत से आप में से ऐसे लोग हैं जो समझ चुके हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, आपके सोशल मीडिया पर ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन सब पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँच सके और लोग जागरूक हो सके। जय हिंद, जय भारत। The Life TV, सच सबसे आगे।